नमस्कार दर्शक मित्रों, दूरदर्शन समाचार में आपनु स्वागत छे। जोईए अत्यार सुधीना समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज लुधियाणा में अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमिता केन्द्र उद्घाटन कर्युं हतुं। नाना अने मध्यम कदना उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष समारंभ में प्रधानमंत्री मोदी झीरो डिफेक्ट झीरो इफेक्ट नीति की घोषणा करी हती। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा एसटीएससी हब योजना शुभारंभ करावो हतो। खादी नु महत्व समझावता प्रधानमंत्रीए खादी फॉर नेशन नु सूत्र आपता खादी अपनावा अपील करी हती। एसटीएससी हब पासे थी सरकार 4% खरीदी करीने प्रोत्साहन आपशे तेवी जाहेरात करी हती। समारंभमां देशभरमांथी आवेला 225 जेटला साहसिक अने उद्यमीओने पुरस्कृत करवामां आव्या हता। समारंभमां 500 चरखानुं वितरण पण थयुं हतुं। हिमाचल प्रदेशना मंडी खाते भाजप द्वारा आयोजित परिवर्तन रेली ने संबोधता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए कह्युं हतुं कि हिमाचल पर्वतमाला नी समीपे आवेलो आ प्रदेश वीरभूमि छे, कारण कि अहीं दरेक परिवारमांथी एकाद दीकरो लश्करमां छे। चार दायका जूना वन रैंक वन पेन्शन विवादनो उकेल चपटी वगाड़ता लाववानो यश भाजपने आपता तेमणे कह्युं हतुं कि 10,000 करोड़नी चुकवणी करी देवाई छे। अगाउ 1752 मेगावॉट क्षमता धरावती 3 जल विद्युत योजनानुं लोकार्पण प्रधानमंत्रीए कर्युं हतुं। एलईडी बल्ब वापरवानो आग्रह हाथ धराया बाद हिमाचल प्रदेश में दररोज 1 करोड़ रूपयानी वीज बचत थवानी वात प्रधानमंत्रीए करी त्यारे सौए ताळीओना गड़गड़ाटथी तेमने वधावी लीधा हता। प्रधानमंत्री बन्या बाद नरेन्द्र मोदीनो आ पहेलो हिमाचलनो प्रवास हतो। नवी दिल्ली खाते ब्रिक्स मीडिया फोरमनु सत्र खुल्लू मुकता विदेशमंत्री सुषमा स्वराजे कह्युं हतुं कि आर्थिक प्रगति हासिल करवा माटे दुनियामां बधे शांति होवी जरूरी छे तेवुं सौ समझे छे, त्यारे त्रासवादनो फैलावो करी घातकी कनडगत पैदा करता तत्वोने उघाड़ा पाड़वानी हिम्मत दुनियाए केळवी पड़शे। स्थिरता शांति और विकास में सौथी मोटो अवरोध त्रासवाद होवाथी ब्रिक्स सम्मेलन की तमाम बैठक में आ मुद्दों चर्चा में उछळ्यो होवानुं सुषमा स्वराजे कह्युं हतुं। कोई देश की सरकार खुद त्रासवादनो उछेर करती होय तेवा संजोगों में हिंसा खमवा बधाए तैयार रहेवुं पड़शे तेवी चिंता पण तेमणे व्यक्त करी हती। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए राजकोट शहरनी विकास योजनाने मंजूरी आपी पोताना वतनने बहु मोटी दिवाळीनी भेट आपी छे। राजकोट महानगरपालिका तथा राजकोट शहरी विकास सत्ता मंडळ द्वारा तैयार विकास नक्शाने मंजूर कराता मुख्यमंत्रीए ध्यान राख्युं छे कि न्यारीथी सापर वच्चेना रस्तामां आवेल कोईपण मकान तोड़वुं पड़े नहीं। आजी जलाशय आसपासनी जीवसृष्टिना संरक्षण माटे खास प्लान मंजूर करायो छे, तो पारडीथी मलियासणने जोड़तो रिंग रोड पण मंजूर करायो छे। खास औद्योगिक झोनने मंजूरी आपवा उपरांत तमाम रहेणाक झोनमां अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम हेठळ मकानो बांधवानो निर्णय करायो छे। राजकोटने स्मार्ट सिटी मिशन हेठळ भरचक भंडोळ मळे तेवी पात्रता केळवा शहेरनो विकास नक्शो बनावायो छे। जामनगरथी द्वारका वच्चे धोरीमार्ग उपर भीमपरा गाम नजीक यात्राळु बस अने ट्रक वच्चे गमखुवार अकस्मात थता बन्ने वाहनना आगळना भागनो खुर्दो बोली गयो हतो। द्वारिकाधीशना दर्शन माटे निकळेली दक्षिण भारतीय प्रवासीओनी बसमांथी 15 जणाने गंभीर इजाओ पहोंची छे, जेमां 3ની हालत गंभीर कहेवाय छे। दक्षिण भारतीय प्रवासीओ हिंदी के गुजराती भाषा समझता नहीं होवाथी पोलीस तंत्र ने भारे तकलीफ पड़ी थी। घायल लोगों ने जामनगर खसेड़ाया छे। ट्रकनो आगळनो भाग एटली हदे दबाई गयो हतो कि ड्राइवरना शरीर ने बाहर काढ़वा जेसीबी बोलावू पड़ू हतु। राजकोट जिल्लाना ग्रामीण विस्तार में घरे घरे शौचालय बांधी प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत झूंबेश ने टेको आपवानी लोक लागणी फैलाती जोवाई छे। जामकंडोणा तालुका में गामडे गामडे सरकारी सहाय और प्रेरणा वडे शौचालय बांधवानुं काम सामाजिक चळवळ माफक वेग पकड़ी रह्युं छे। परिणामे जामकंडोणा तालुकाना 50 गामडा खुल्ला में शौच क्रियामुक्ति हासिल करी गंदकी ने तिलांजलि आपी चुक्या छे। 21 गामडा अहीं एवा छे कि ज्यां ग्राम पंचायत नवा मकाननुं बांधकाम करवानी परवानगी आपता पहेला तेमां शौचालय होवानो आग्रह राखे छे। तालुका विकास अधिकारी पीएल वाघाणीनु कहेवुं छे कि शौचालय बांधीने लोको जूनी टेव छोड़ता थया छे। छोटाउदेपुर खाते कोमी एखलासनुं उज्ज्वल दृष्टांत गणाय तेवो उर्स सज्जाद नशीन हजरत पीर निजामुद्दीन चिश्तीनी दरगाह पर योजाई गयो। सूफी संत मोटामियां मांगरोळना संत गौसेवा माटे इतिहासमां अमर थई गया छे। उर्स प्रसंगे हजरत कादीर पीरजादा और रफीक बाबा सहित वंशजों द्वारा संदल तथा चादर चढ़ावा विधि कर दक्षिण गुजरात गामे गाम थी हजारों अनुयायी त्या हाजर रहा था। हिंदू तथा मुस्लिम अनुयायी बहोळो वर्ग धरावती आ दरगाह पर उर्स दरमियान मानता पूरी करवा आदिवासी की भीड़ जामे। उर्सना 3 दिवस दरमियान अं भोजन भजन और कव्वाली की भारे जमावट थाय। સાથે અમે રહી અને અહીંયા જે અમારું કરવાનું હોય તે અમે બધી
પૂજા પાઠ જે કરીએ છીએ બધા ભગતો સાથે અને સારી રીતે રહીએ છીએ અને ઉરસમાં તો અમારો એટલો બધો મહત્વનો દિવસ છે કે અમને પાછું ઘેરે જવાનું પણ મન નહીં થાય. રાજ્ય સરકારના વર્ગ ચારના કર્મયોગીઓ આગામી દિવાળીના તહેવારો ઉમંગ ઉત્સાહથી મનાવી શકે તે હેતુથી તેમને અપાતી તહેવાર પેશગીની રકમ રૂપિયા 5,000 કરવામાં આવી છે. અગાઉ આ પેશગી રૂપિયા 3,000 પ્રમાણે આપવામાં આવતી હતી. રાજ્ય સરકાર સમક્ષ વર્ગ ચારના કર્મચારીઓની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને આ રકમ વધારાઈ છે. રાજ્ય સેવાના 34,500 જેટલા વર્ગ ચારના કર્મચારીઓને આ તહેવાર પેશગીનો લાભ મળશે. આ તહેવાર પેશગી નિયમ અનુસાર માસિક દક્ષ સરખા હપ્તામાં વસૂલ કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે કરેલા આ વધારાને પરિણામે રૂપિયા 10 કરોડનું ભારણ સરકાર પર પડશે. તો આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર.